ओम शांति। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में बीके मधु दीदी जी, जो राजयोगिनी हैं, पिछले 18 वर्षों से बाबा के घर में सेवाएं कर रही हैं समर्पित रूप से। दीदी कुंजपुरा में, जो हमारा सब सेंटर है करनाल का, निर्मल दीदी जी के अंदर, वहां पर अपनी समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। मैं दीदी जी का अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो उन्होंने आज समय निकाल कर हम सबके बीच में राजयोग के शिविर में आए हैं। और आज उन्हें बहुत सुंदर राजयोग की परिभाषा और राजयोग कैसे करना है वो सिखाएंगे। मैं दीदी आपका अभिनंदन करती हूँ। ओवर टू यू दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी अपना वीडियो ऑन कर दें ताकि कॉन्टेक्ट से बात हो सके। मैं ओम शांति। आज राजयोग का जो त्रिदिवसीय कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने प्रथम दिन किया कि मैं कौन, स्वयं की पहचान। फिर सेकंड लेसन हमने किया परमात्मा पिता की पहचान, कि परमात्मा कौन है। आज हम करेंगे राजयोग, उस परमात्मा पिता से संबंध कैसे जुटे। हम सभी परमात्मा को याद करते हैं, फिर भी हमारी शिकायत रहती है कि हमारा मन उस परमात्मा पिता में लगता नहीं है। परमात्मा पिता में मन ना लगने का हमारा कारण क्या है? मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे पास उसका मेथड नहीं है। कोई भी हम कार्य करते हैं, उसके लिए हमें एक मेथड चाहिए होता है। तो परमात्मा को भी हम याद करें, किस विधि से याद करें, जिसके लिए हम आज करेंगे राजयोग। राजयोग दो शब्दों से मिल के बना है, राज प्लस योग। योग माना जोड़। ये योग दुनिया में देखते हैं, बहुत सारे योग। एक योग बाबा रामदेव सिखाते हैं, शारीरिक योग, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। ये है राज योग, आत्मा का उस परमात्मा पिता से मिलन। इसे भी हम योग कहते हैं। यदि इसे हम सरल शब्दों में कहें तो कहेंगे याद, याद करना, उसे हम कह देते हैं योग। जैसे दो और दो का योग, योग माना जोड़। इसे सरल शब्दों में कहेंगे तो याद, हमें परमात्मा पिता को याद करना है। दुनिया में भी देखो, हम किसी को याद करते हैं तो उसके कुछ आधार होते हैं। याद करने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है हमें उसकी पहचान। पहचान होगी तभी हम किसी को याद कर सकते हैं। देखो, इतनी बड़ी दुनिया, हम किसको याद करते हैं? जिसकी हमें पहचान होती है। दूसरी बात, जिससे हमारा संबंध होता है, संबंध। तीसरी बात है जहां हमें स्नेह होता है। दुनिया में भी किसी को याद करने के लिए हमें तीन आधार चाहिए। सबसे पहले पहचान, परिचय। दूसरा चाहिए हमें संबंध, और तीसरा चाहिए हमें प्राप्ति, स्नेह चाहिए हमें। ऐसे ही परमात्मा को याद करने के लिए भी हमें यही आधार चाहिए। सबसे पहले परमात्मा का पूर्ण परिचय, कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहती है, और कैसे हम परमात्मा पिता को याद करें। तीसरी बात, परमात्मा से स्नेह। परमात्मा से हमें स्नेह है, तभी तो आज तक हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हम कहाँ कहाँ जाते हैं उसकी खोज में। क्यों? क्योंकि हमें उससे स्नेह है, हम उसे पाना चाहते हैं। तो परमात्मा को याद करने के लिए भी हमें ये तीन आधार चाहिए। सबसे पहले परिचय। परमात्मा का पूर्ण परिचय हमने कल पाया, कि परमात्मा कौन है। परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु, और परमात्मा रहते हैं परम के अंदर। और जब धर्म गलानी का समय होता है तो परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं, जिसके लिए परमात्मा ने कहा यदा से। जब जब होती है
मैं सृष्टि पर अवतार लेता हूँ। तो परमात्मा का हमें पूर्ण परिचय हुआ कि परमात्मा कौन है, हमारा पिता, उनका रूप ज्योति बिंदु है। अब परमात्मा को हमें याद करना है। परमात्मा को याद करने के लिए हमें क्या चाहिए? परमात्मा को याद करने के लिए हम कहते हैं हमें मेडिटेशन करना है, हमें ध्यान लगाना है। किसको ध्यान लगाना है? मुझे ध्यान लगाना है। मैं कौन हूं? मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा। मुझे किसके साथ ध्यान लगाना है? परमात्मा पिता के साथ। वो परमात्मा पिता कौन है? वो भी ज्योति बिंदु है, वो भी ज्योति बिंदु और वो मेरा पिता है। पहले रिलेशन बना है ना, वो मेरे पिता है, तो संबंध जुटना इजी हो जाता है। परमात्मा को याद करने के लिए हम क्या करते हैं है ना, हम कई तरह के मंत्र लेते हैं। हम मंत्र लेते हैं ओम नमो शिवाय, या कई प्रकार के हम मंत्र लेते हैं और हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके उस मंत्र से हम परमात्मा को जाप करते हैं और हम कहते हैं कि हम परमात्मा की याद में बैठे हैं ना। कुछ लोग आरती गाते हैं, हम अलग अलग विधियों से उस परमात्मा पिता का ध्यान करते हैं। पर परमात्मा मेरा पिता है और मैं उसका बच्चा हूं, तो परमात्मा एक बच्चे को कि अपने मात पिता को याद करने के लिए कोई आसन लगाने की या कोई मंत्र जाप करने की जरूरत होती है? नहीं। बच्चा कहीं भी है, उसे अपने मात पिता की याद रहती है। एक माँ है, वो घर में बैठी है, बच्चा उसका स्कूल गया हुआ है, पर जैसे वो बच्चे के स्कूल के आने का टाइम होता है, माँ को क्या है, उसकी याद आ रही है ना, बच्चा स्कूल से आने वाला है बच्चा, और उसके लिए मैं क्या खाना बनाऊ, मैं आज उसके लिए ये बनाती हूँ, उसको ये पसंद है, मैं उसके लिए ये बनाती हूँ, तो इतना सब कुछ करते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? उसकी याद। उसके लिए माँ ने कोई आसन नहीं जमाया है, सिर्फ बुद्धि से माँ उसको याद कर रही है, वो है याद, संबंध जुटा हुआ है। ऐसे ही हमने कल सीखा कि हमें परमात्मा पिता से योग कैसे लगाना है, और आज का हमारा चैप्टर है सहज राज योग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति और राजयोग के पिल्लर। राजयोग के चार पिल्लर हैं, वो चारों पिल्लर जब मजबूत होंगे, जैसे भी देखो कोई भी चीज होती है ना, वो अपने पिल्लर्स पे खड़ी होती है। जैसे पिल्लर मजबूत होंगे, जितने पिल्लर मजबूत होंगे उतनी ही टिकाऊ चीज होगी। तो हमारा राजयोग वो भी चार पिल्लर्स पर खड़ा है, और उसका सबसे पहला पिल्लर है ब्रह्मचर्य, मतलब पवित्रता की धारणा, जिसमें हम कह सकते हैं तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, हमारे विचारों की शुद्धि। ब्रह्मचर्य पहले हम क्या देखते थे, 25 साल की उम्र तक बच्चे है गुरुकुल में जाके पढ़ाई किया करते थे, और उसके बाद आके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, उसके बाद वो अपना अब अगला कार्यक्रम। तो सबसे पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, माना पवित्रता की धारणा। हमारी आंखें शुद्ध चीजें देखती हैं, ये भी पवित्रता है। हमारे मन के अंदर शुद्ध विचार चलते हैं, ये भी पवित्रता है। मैं मुख से भी अच्छे शब्द, हमारे बोल भी कैसे हैं, माना किस टाइप के बोल हैं, वो भी हमारे पवित्रता की धारणा को दर्शाते हैं। तो हमारे जीवन में जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता होगी, उतना परमात्मा की याद मन में सहज ही टिकती है। दूसरा पिलर है हमारा शुद्ध अन्न। हमारा अन्न भी कैसा होना चाहिए? कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा ही होगा मन। हमारे अन्न का हमारे मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा हम अन्न खाते हैं उसका मन पे इफेक्ट होता है। अब हम खाना बनाते हैं, उस खाना बनाते हुए मैं किस याद में वो खाना बना रही हूँ, और जब हम उस खाने को खाते हैं तो वो असर हमारा सारे हमारे मन के ऊपर पड़ता है। तो जिससे जैसा हम शुद्ध अन्न खाएंगे तो हमारे मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो कहा जाता है जैसा अन्न वैसा ही मन। इस पे एक स्टोरी सुनाते हैं।
कहते एक बार एक राजा ने एक महात्मा जी को कहा कि आप हमारे घर खाना खाने आए। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं खाना खाने, तो उन्होंने कहा महात्मा जी हम बहुत शुद्धता से किसी अच्छे हलवाई से आपके लिए खाना बनवाएंगे। तो कहते राजा ने कैसे हलवाई को बुलाया, कहा बिल्कुल स्वच्छता से एक साइड होके महात्मा जी के लिए खाना बनाया गया। तो महात्मा जी के लिए खाना बना, महात्मा जी आए, महात्मा जी ने वो भोजन किया। भोजन करने के बाद जैसे ही महात्मा जी चले गए, उस दिन के बाद देखा कि रानी का हार गुम हो गया था। रानी का हार गुम था तो ढूंढा कहाँ रानी का हार, कहाँ गया कहाँ गया, बहुत खोजबीन की पर रानी का हार नहीं मिला। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी रानी का हार जो भी ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो कहते हैं कि वो ढूंढा मिला ही नहीं। तो कुछ दिन के बाद महात्मा जी आए और कहा कि जी मैं आपके उस रसोइये से मिलना चाहता हूँ जिसने वो खाना बनाया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस व्यक्ति को बुलाया जिसने महात्मा जी के लिए खाना बनाया था। तो बुलाया गया तो कहा महात्मा जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो महात्मा जी उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। व्यक्ति बहुत डर गया, उसने कहा अभी महात्मा जी मुझसे क्या पूछेंगे। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी मैं आपके मन की बात को, महात्मा जी ने कहा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं आपके मन की बात को पढ़ सकता हूँ। तो कहा कि पूछा महात्मा जी ने कि आपने जब खाना बनाया था तो आपके मन में क्या विचार चल रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा डर के, कहा महात्मा जी मैं सच कहता हूँ कि मैंने रानी का हार नहीं चुराया है। वो रोने लगा, वो कहते सच महात्मा जी मैंने रानी का हार नहीं चुराया है। तो महात्मा जी ने कहा मुझे मालूम है तुमने रानी का हार नहीं चुराया है, बस मैं तो तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब तुमने खाना बनाया था तब तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे थे। उसने फिर कहा महात्मा जी मैंने आपका हार नहीं चुराया। तो महात्मा जी ने कहा ये बात सच है तुमने हार, कहते हार तुमने नहीं चुराया, तुम्हारे पास हार नहीं है, हार तो मेरे पास है। पर वो हार मेरे पास कैसे आया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा ये बात सच है कि जब मैं खाना बना रहा था तो जब रानी उधर से गुजरी तो वो हार गिर गया था, तो मेरे मन में बार बार ये विचार चल रहे थे कि यदि मैं ये हार उठा लूं, यदि मैं हार ले जाऊं तो मुझे बहुत फायदा हो सकता है। कहते मेरे मन में ये उधेड़बुन चलती रही पर सच कहता हूं मैंने उठाया नहीं था। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं एक संत व्यक्ति, मुझे तो हार की जरूरत ही नहीं थी, मुझे किसको हार देना था, फिर भी मैंने ये हार उठा लिया। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, उन विचारों का, उस विचार जो व्यक्ति खाना बनाते हुए चल रहे थे, वो विचार उन्होंने ऐसा असर किया कि वो महात्मा जी ने उठा लिया। तो इस कहानी से समझ आती है कि जैसा हम खाना जिस विचारों में बनाते हैं उस विचारों का असर उस भोजन के ऊपर जाता है। तभी कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो हम परमात्मा पिता की याद में बनाएं। और यदि हम परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं तो उस भोजन के अंदर शक्ति भर जाती है, वो प्रसाद बन जाता है। तभी देखो प्रसाद क्या होता है, हमारे घर में कोई फंक्शन प्रोग्राम, हमारे घर में कुछ फ्रूट्स है या कोई भी मिठाई है, तो वो मिठाई हम लेके मंदिर में जाते हैं, हम वो मिठाई मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ा देते हैं। अब मंदिर के पंडित जी क्या करते हैं, जो भी आते हैं उनमें से वो कना दाना उनके हाथ पे रखते हैं, क्या कहते हैं जी ये प्रसाद है, वो हमारे घर से गया वो भोजन था, वो मिठाई थी। और जैसे वो मंदिर में चला गया वो क्या बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है, है ना। जो भी उसको खाता है कितनी भावना से खाता है ना, क्या कहते हैं प्रसाद है। नीचे भी गिर जाएगा तो भी कैसे खाएंगे, उठा के बड़े प्यार से माथे पे लगा के, ये प्रसाद है। भोजन वही है पर अब अंतर क्या है, वो परमात्मा पिता की याद में बना हुआ है। बनाया
अब उसका असर वो मंदिर में आया उस जगह पे, उसके वाइब्रेशन जब उसने कैच कर लिए तो प्रसाद बन गया, है ना। लंगर में हम देखते हैं जब खाना पकता है तो जो भी खाना बनाते हैं उनकी भावना क्या होती है, हम लंगर बना रहे हैं, है ना, हम लंगर बना रहे हैं। घर में खाना खाएंगे क्या होता है, पूरी प्लेट सजा के अच्छे ढंग से हम खाते हैं, फिर पूछते हैं बहुत स्वाद था क्या, कहते खाने वाले हाँ ठीक था, है ना, अच्छा था, रूमस स्वाद था, नहीं ठीक था, कितने मिर्च मसाले डाल के उसको स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करते हैं फिर भी ठीक था। और लंगर में जब हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, हाथ पे रोटी उसी के ऊपर दाल रख के जब देते हैं और खाने वाले क्या कहते हैं, जी स्वाद आ गया, उसमें कौन से मिर्च मसाले डाले गए, कौन से मसाले डाले, वो परमात्मा पिता की याद में, बनाने वाले के मन के विचार, मैं प्रसाद बना रहा हूँ, मैं प्रसाद बना रहा हूँ, वो उमंग उत्साह, वो भावनाएं उस भोजन को कैच हो जाती है तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। इसलिए माताओं के मन में हमेशा क्या रहते हैं, जैसे प्रसाद मिलता है तो माताएं क्या करती हैं, थोड़ा सा खाती हैं और बाकी सबको बांट के देती हैं, क्या कहते हैं, प्रसाद खाएंगे तो इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। भोजन वही है पर उसमें वो चीज विचारों का असर आ रहा है। तो हम भोजन बनाएं, जो भी भोजन खाएं परमात्मा पिता की याद में, तो हमारे मन पर हमारे भोजन का बहुत असर होता है। तो हमारा दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न और तीसरा है सत्संग। सत्संग, सत्संग दो शब्दों से मिल के बना है, सत प्लस संग। सत्संग मतलब सत्य का संग करना ही सच्चा सत्संग है। आज हम क्या सोचते हैं, सत्संग माना जहां कोई महात्मा जी बैठे हैं और बहुत सारे सुनने वाले बैठे हैं, हम उसको कहते हैं ये सत्संग है। सुनाने वाले सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ है, हम उसको कहते हैं ये सत्संग है। पर कई बार क्या देखा जाता है, वो सारे भाई बहन बैठे होते हैं, सुनाने वाले सुना रहे होते हैं, है ना, पब्लिक कई बार थोड़ी ज्यादा होती है तो पीछे वाले क्या कर रहे होते हैं, आपस में बात करने लग जाते हैं, है ना, कोई माता बात करेगी आपकी बहू ठीक है, फलाने की बहू कैसे, है ना, उस विषय पे हमारी बात छिट जाती है। कई बार बात करने लगते हैं, जी आपने ये सूट बहुत सुंदर पहना है, आपने कहाँ से खरीदा, कितने का खरीदा, बहुत अच्छा लग रहा है। बैठे वो सत्संग में है, सत्संग में बैठे भी, अब क्या मन उनका सत्संग में है, तन सत्संग में है पर उनका मन सत्संग में होते भी सत्संग में नहीं है, यानी कि परमात्मा के साथ तो उनका संग नहीं है ना। तो सत्संग माना उस सत्य परमात्मा से मेरा बुद्धि का तार जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं सच्चा सच्चा सत्संग। तो सत्संग, अब सच्चा सत्संग ये है कि वो सत्य परमात्मा, सत्य कौन है, सत्य परमात्मा। कहते सत और असत क्या है, सत चीज वो जो कभी नष्ट नहीं होती, जो अनादि अविनाशी है, और असत चीज जो नष्ट हो जाती है। इस दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब नष्ट होने वाली, सब असत्य चीजें हैं, सिर्फ मैं आत्मा और वो परमात्मा, वो सत्य जो कभी नष्ट नहीं होती, सदा काल है, वो है सत परमात्मा। उस सत्य परमात्मा से संग करना ही, मन की तार उसके साथ जोड़ना ही सच्चा सच्चा सत्संग है। और सच्चा सत्संग जब परमात्मा धरा पर आते हैं, परमात्मा ने गीता में वायदा किया ना, जब जब धर्म की ग्लानी होती है मैं सृष्टि पर अवतार लेता हूँ, धर्म ग्लानी के समय मैं आता हूँ। और आज हम देख रहे हैं धर्म ग्लानी चहुं ओर हो चुकी है, आज का समय, आज की घटनाएं, आज का सब कुछ क्या बता रहा है, है ना, ये धर्म ग्लानी का समय है। और परमात्मा पिता और निराकार शिव बाबा इस धरती पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर
सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। तो परमात्मा पिता आ चुके हैं और वो परमात्मा पिता ब्रह्मा तन के द्वारा हम आत्माओं को रोज मिलते हैं ना, हम आत्माओं से बात करते हैं, तो उनकी वो अपने महावाक्य हम बच्चों को सुनाते हैं ना, उन महावाक्यों को हम मुरली कहते हैं। वो प्रतिदिन हम वो बाबा की मुरली, उस ईश्वर शिव पिता की मुरली जो हम रोज सुनते हैं, ये है सच्चा सच्चा सत्संग। और चौथा पिलर है हमारा धारणा, दैवी गुणों की धारणा। दैवी गुणों की धारणा सबसे पहले हमारा पिलर था, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न और सत्संग। जब तीनों हमारे जीवन में आते हैं तो धीरे धीरे दैवी गुणों की धारणा भी होती जाती है, और ये चारों पिलर जब हमारे मजबूत होते जाते हैं तो हमारा जो मन है उस परमात्मा पिता में स्थिर हो जाता है। हमारे ये पिलर मजबूत तो हमारी योगी जीवन भी मजबूत हो जाती है। दैवी गुणों की धारणा एक चैन की तरह है ना, जैसे हमारे अंदर एक गुण आता है तो अनेकों को साथ लेके आता है, एक अवगुण आता है तो अनेक अवगुणों को वो साथ लेके आता है ना। मान लो एक छोटा सा गुण ही ले लो, हम अपने जीवन में एक छोटा सा गुण अपनाते हैं, हमने एक छोटी सी धारणा की लाइफ में कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, हम सुबह जल्दी उठेंगे, मैं जल्दी उठती हूँ, अब मैं जल्दी उठी तो मैंने सारे काम आसान धीरे धीरे अच्छे से कर लिए और क्या हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक। मान लो मेरे अंदर एक बुराई है, मैं देर से उठी, अब सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, अब सुबह सुबह ही सबको बाहर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, यहाँ जाना है, बच्चे कह रहे हैं हमें ये दे दो, भाई कह रहे मुझे ये दे दो, हम सबको देते देते क्या हो जाते हैं, बस इरिटेट, क्या है उनको ये दे दो, उसे खाना उधर से, गैस इधर से, फिर गुस्सा आने लग जाता है ना, गुस्सा आता है, फिर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ गुस्से में कर देंगे, फिर गुस्से में कुछ किया तो वो सारा दिन गड़बड़ हो जाएगी। एक बुराई कि मैं देर से उठी, उससे सारा क्या होता चला गया, पूरी चैन बिगड़ती चली गई, एक गलती से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से सारा दिन ऐसा। और एक अच्छा गुण अपनाया मैंने, सुबह जल्दी उठना है, तो उससे सारे काम धीरे धीरे शांति से उठते चले गए। तो हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा आती जाती, तो ये चारों पिलर हमारे मजबूत होंगे तो हमारा योगी जीवन भी मजबूत होगा।